हेलो गाइस, मेरा नाम है जोकर भैया और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू एपिसोड में। तो गाइस, आज हम लोग बिग बॉस को एक्सपोज करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। गाइस, ये मेरी वो साइड ऑफ स्टोरी है जो आज तक टेलीविजन पर किसी ने दिखाए नहीं कि मुझे किस तरह टॉर्चर किया गया है। गाइस, बहुत ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ बिग बॉस में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। टेलीविजन पर दिखाया ही नहीं गया, मतलब बहुत बुरा हुआ है। मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है मेरे साथ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। आगे बोल। गाइस, सब लोग मुझसे बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं, बिग बॉस भी मुझसे बहुत जलते हैं। मैं आपको बताऊँ, बिग बॉस ने एक बार मुझे टास्क दिया था कि अगर तुम रोड पर चलते हो तो बताओ तुम कहाँ चलोगे। तो गाइस, मैंने कहा कि मैं फुटपाथ पे चलूंगा, तो सलमान भाई ने कहा कि मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। गाइस, उम्र में जो कर, गाइस बिग बॉस में सब मुझे बकरा बकरा पता नहीं क्यों बोलते थे। गाइस, मैं तो दिखता भी नहीं हूँ बकरे की तरह, और एक बार तो मुनव्वर भाई ने मेरी पैंट ही उतार दी थी, उसके बाद लाइट चली गई। सुबह फिर 150 रुपए दिए थे, पता नहीं क्यों, मैंने लौटाया भी पर उन्होंने लिए नहीं थे। गाइस, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। गाइस, बिग बॉस की औकात नहीं थी कि वो मुझे बुलाए, लेकिन फिर भी मैं शो पे गया और उन लोगों ने मार मार के मुझे टनल तक में भी छोड़ा। गाइस, आखिरी में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं झुका नहीं, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, इसका मतलब ही होता है कि कोई झुकता नहीं किसी के आगे, तो मैं झुका नहीं बिग बॉस के सामने। गाइस, और तुम्हारा भाई आखिरी तरह बकरा बन के लड़ा। गाइस, सो गाइस, हम लोग घूमने जा रहे हैं और आप ये जो हुडी देख रहे हैं ना, ये 17.5 लाख रुपए की है और इसको मैंने अमेरिका से मंगवाया। गाइस, और ये जो आप पैंट देख रहे हैं ना, आप बताओ, मैं बताता हूँ, ये 7 लाख रुपए का है और इसको मैंने दुबई से मंगवाया। गाइस, और ये जो आप कच्चा देख रहे हैं ना, ये आड़ू बाड़ू कच्चा नहीं, ये प्रीमियम क्वालिटी का कच्चा है। ये कच्चा मोदी जी भी पहनते हैं और ये मैंने पता है 2.5 लाख रुपए का खरीदा है। गाइस, फिर भी गाइस, हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं, हम जरा सा भी घमंड नहीं करते हैं। और पता नहीं क्यों लोग हमको गालियां देते हैं कि तुम घमंडी हो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, हम जरा सा भी घमंड नहीं करते। ये जो आप देख रहे हैं सारे, मतलब बस लोग पूछते हैं इसलिए हम बता देते हैं। गाइस, गाइस बहुत लोग हमसे जलते हैं, लाइक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ हैं कॉमेडियन मुनव्वर, पर मैं नाम नहीं लूंगा। और गाइस, वो लोग व्लॉग में और एक ही बात करते हैं, तो मैं उन चमन से बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी लैम्बो का सिर्फ एक टायर बेच के तुम्हारी साथ पुश्ते खरीद सकता हूँ, लेकिन गाइस हमें घमंड नहीं है। रेंट खत्म भाई, 2 मिनट बाद नहीं बता सकता था। सारी उम्र में जो कर, गाइस मैंने एक न्यू टैटू बनवाया है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो टैटू। ये देखिए गाइस, प्रीमियम क्वालिटी का बकरा लिखवाया है ना, अच्छा दिख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओ। गाइस, हमें गरीबों की है जो वो मदद करनी चाहिए, तो हम लोग जा रहे हैं पहले गरीबों की मदद करेंगे। गाइस, सो गाइस हम लोग मदद करने जा रहे हैं, तो ये देखिए, सो कैमरे में आ रहा है बाबू, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो ये बाबू, ये देखिए। तो गाइस, आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। तो देखा गाइस आपने, फिर भी हमें घमंड नहीं, हमारा दिल जो है बहुत बड़ा है। गाइस, खुशखबरी गाइस, हार्दिक पांड्या का हमारे पास कॉल आया था और वो हमारे साथ
कोलैब करना चाहते हैं गाइस, पहले तो मैंने मना कर दिया, तुम्हारा भाई बिजी था, लेकिन फिर मैंने उनसे हाँ बोल दिया गाइस। हार्दिक भाई 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 प्लीज भाई प्लीज कोलैब कर लो यार भाई भाई प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ पैर जोड़ता हूँ भाई भाई, 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 भाई चाचा तो मेरी गर्लफ्रेंड से 2 दिन के लिए शादी कर लो भाई भाई भाई। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा गाइस, मेरे पास मुकेश अंबानी जी का भी कॉल आया था, वो बोल रहे थे कि मेरे बेटे का कन्या दान कर दो, पर मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन गाइस फिर भी हम घमंड नहीं करते हैं और ये मुनव्वर जैसे हमको सिखाएंगे। तो चलिए गाइस जोकर भैया के अब आपको सुपरा दिखाते हैं जिसका अभी रेंट खत्म नहीं हुआ है गाइस। सो गाइस ये रही हमारी सुपरा। ये ओए तू कौन है अंकल? अंकल जी वो मजाक कर रहा था, मजाक जा 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 गाइस फैन है। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। चलिए गाइस मैंने एक नई चीज खरीदी तो मैं आपको उसे दिखाता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मुनव्वर का मादर।